शहर में भले ही कोरोना संक्रमण की कमी आई हो, लेकिन कोरोना कार्यकाल में शहर में 50 से ज्यादा वकीलों की मौत हुई है। आर्थिक बदहाली के चलते वकीलों के परिवार पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। उन्हें तत्काल मदद की जाए ऐसी मांग करते हुए शहर के वकीलों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास पर जाकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर शहर के वकील मौजूद थे। शहर में कोरोना संक्रमण में भले ही कमी आई हो, लेकिन कोरोना ने 2020 से लेकर 2021 तक शहर के 250 अधिवक्ताओं को मौत की नींद सुला दी है। शहर के जिला बार एसोसिएशन में तकरीबन 8000 वकील काम करते हैं, उनमें से 2500 वकीलों की आर्थिक बदहाली हो चुकी है। लॉकडाउन में शहर के वकीलों को कोई भी सरकारी सुविधा सरकार की ओर से नहीं मिल रही है। एक समय ऐसा था कि कोरोना कार्यकाल में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन, महाराष्ट्र बार काउंसिल की ओर से अनाज किट का वितरण शहर के जरूरतमंदों को किया गया। शहर के वकील उदय डफले, अनिल गुल्हाने, शशांक चौबे तथा स्वर्गीय सुधीर जायसवाल आदि वकीलों ने अपने निजी पैसे से अनाज की खरीदारी करके हजारों जरूरतमंदों को अनाज किट का वितरण किया है। आज वक्त बदल चुका है, शहर के वकीलों पर आर्थिक बदहाली के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में सरकार शहर के वकीलों की ओर ध्यान दे, उन्हें आर्थिक मदद करी ऐसी मांग करते हुए शहर के वकीलों का एक शिष्टमंडल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके निवास स्थान पर जाकर गडकरी के साथ मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। इस मौके पर नितिन गडकरी इन्होंने इस पत्र को प्रधानमंत्री को देकर उन्हें वकीलों की समस्या से अवगत कराने का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि शहर के वकीलों को कब तक न्याय मिलता है। न्याय मंदिर से संजय मिरे, BCN News, नागपुर।